हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 28वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी। हमने बेटा जी बीबीटी कंप्लीट डिस्कस कर ली है। हमने बीबीटी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड थे सभी की स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ईटीसी हमने डिस्कस कर ली। आज हम देखते हैं बीबीटी इतनी अच्छी थ्योरी थी फिर भी इसमें क्या कमी रह गई जो ये फेल हो गई। ठीक है बेटा, तो आज हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बीबीटी अर्थात संयोजकता बंद सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी। तो देखो बेटा, बीबीटी हालांकि बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्ट्रक्चर को बता देती है लेकिन फिर भी बीबीटी से कंप्लीट यानी कि सभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है सबकी स्ट्रक्चर हमें नहीं पता चलती, ना ही बीबीटी ये बता पाती है कि सभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेंगे भी या नहीं। ठीक है, तो कंप्लीट जो नॉलेज है, कंप्लीट जो नॉलेज है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में वो बीबीटी नहीं देती है। ठीक है, जैसे कि हम देख ले ये थ्योरी क्या नहीं बता पाती है, कोऑर्डिनेट नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 यानी कि उपसह संयोजन संख्या 5 वाले जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं उनकी फॉर्मेशन को भी नहीं बता पाती है बीबीटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कब टेट्राहेड्रल होगा, कब स्क्वायर प्लेनर होगा ये भी नहीं बता पाती है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कहीं स्क्वायर प्लेनर हो पा रहा है, कहीं टेट्राहेड्रल हमने अभी देखा था इस थ्योरी के अनुसार, लेकिन क्या हमें कंप्लीट नॉलेज मिली, नहीं मिल पाई। ये एक अच्छा वो नहीं मिल पाया कि हमें यहाँ पे टेट्राहेड्रल ही होगा, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, तो ये भी नहीं बता पाती है। अच्छा, हमने देखा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो बेटा जी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हाँ कुछ हद तक बीबीटी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाती है, लेकिन बेटा स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज जो होती है, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आता है भाई, विजिबल रीजन में लाई करेगा ट्रांजिशन तभी तो आएगा, तो ये स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये बीबीटी जो है बेटा स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अच्छी हम कलर, अब बात चल रही है कलर, रंगों के बारे में हमने देखा था कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं जनरली, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड कलर्ड होते हैं, कारण ये बताया था डीडी ट्रांजिशन, तो डीडी ट्रांजिशन को इस बीबीटी ने नहीं बताया। ठीक है बेटा, डीडी ट्रांजिशन होता है या नहीं होता, तो कलर फॉर्मेशन को भी बीबीटी नहीं बताती है। अच्छा, अगला देखें, केवल बीबीटी में बेटा लिगेंड जो होता है ना उसके डी ऑर्बिटल या उसके पी ऑर्बिटल या उसके कुछ भी ऑर्बिटल, कोई से भी ऑर्बिटल, उनके बारे में तो जिक्र ही नहीं। केवल बीबीटी ने मेटल के डी ऑर्बिटल, यानी कि बीबीटी केवल मेटल के डी ऑर्बिटल को ही पर ही क्या करती है, फोर्स करती है, ठीक है, बल डालती है, जबकि लिगेंड के किसी भी ऑर्बिटल पर नहीं। ये भी कमी है, ऑर्बिटल तो लिगेंड के भी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कमी, ये थ्योरी यह भी नहीं बता पाई बेटा क्या इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा और आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा। ठीक है, कब इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और कब आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये थ्योरी बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को भी नहीं बता पाई। कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन रहा है तो जो रिएक्शन हो रही है उसकी दर क्या होगी, मैकेनिज्म कौन सी होगी, ये नहीं बता पाई बीबीटी। ठीक है, तो ये कुछ आपकी ड्रॉबैक्स थी, कुछ लिमिटेशंस थी बीबीटी की, क्योंकि एक कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट टॉपिक लिमिटेशंस तक ही खत्म होगा, तभी दूसरी सीएफटी आएगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब हम पढ़ाएंगे थर्ड ईयर में, तो वो क्यों आएगी, क्योंकि बीबीटी फेल हो गई तभी सीएफटी आएगी। तो कमी क्या रह गई, इन कमियों को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी ईजाद होगी जिसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहेंगे, सीएफटी कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपकी कमियां थी बीबीटी की, हम आपको लिखवा देते हैं, लिख लीजिए, हमने पहले लिख दिया, आपको समझा दिया। ठीक है, लिख लीजिए, अंग्रेजी में उतारने वाले अंग्रेजी में उतार लीजिएगा, हिंदी में बताते जाएंगे। ठीक है, पहली कमी क्या थी, बीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कंप्लीटली, अर्थात बीबीटी कोऑर्डिनेट कंपाउंड उपसह संयोजी यानी कि जटिल यौगिक निर्माण को बेटा
पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए कि जटिल यौगिक क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। दूसरा समी, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 5, अर्थात ये थ्योरी उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन नहीं बता पाई जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होती है, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे बनते हैं ये नहीं बता पाई बीबीटी। तीसरी लिमिटेशंस है, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अर्थात ये थ्योरी यह भी नहीं बता पाई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रंग क्यों होता है और क्यों नहीं होता है, कैसे होता है, ठीक है। कलर के बारे में भी एक कलर के बारे में कुछ आइडिया है लेकिन एक सफिशियंट नहीं है वो बेटा, ठीक है, सफिशियंट नहीं है। तो दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट है, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये थ्योरी कॉम्प्लेक्सेस यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को भी नहीं समझा पाई। नेक्स्ट है पांचवा, दिस थ्योरी फोर्सेस ओनली ऑन मेटल्स डी ऑर्बिटल बट नॉट लिगेंड्स, लिगेंड्स ऑर्बिटल नॉट डी ऑर्बिटल, लिगेंड्स ऑर्बिटल। ये थ्योरी केवल मेटल के डी ऑर्बिटल पर ही बल डालती है या बल देती है जबकि लिगेंड के ऑर्बिटल पर नहीं। अच्छा नेक्स्ट, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अर्थात ये थ्योरी ये भी नहीं बताती है, ये भी ना बता पाई क्योंकि दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, एक इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दूसरे आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कब बनते हैं ये नहीं बता पाई, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ मेटल्स डी ऑर्बिटल। सीएफटी ने बताया था मेटल के जो डी ऑर्बिटल है पांचों डी ऑर्बिटल वो दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होते हैं जब लिगेंड के लिगेंड आता है मेटल के पास, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी में कहीं स्प्लिटिंग पड़ा नहीं पड़ा, यानी कि ये थ्योरी स्प्लिटिंग को भी नहीं बता पाती है कि मेटल के डी ऑर्बिटल वास्तव में दो भागों में दो एनर्जी सेट्स में टूटते हैं या नहीं टूटते हैं, विभाजित होते हैं या नहीं होते हैं, ये नहीं बता पाई। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, ये थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन को भी नहीं बता पाई कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये थी बेटा जी आपकी कुछ ड्रॉबैक्स, यानी कि ये थी कुछ आपकी लिमिटेशंस ऑफ बीयूटी। और लिमिटेशंस पढ़ते ही हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर के लेवल से क्या कर दिया, फिनिश कर दिया है या कवर कर लिया है, ठीक है बेटा। अब हम आपको यूनिट कौन सी बेटा, यूनिट थर्ड, पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड जिसका नाम है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यूनिट थर्ड स्टार्ट हो गई, आज ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यूनिट थर्ड डाल दीजिए, यूनिट थर्ड जो है बेटा, यूनिट थर्ड में दो चैप्टरों को रखा गया है, एक तो केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड्स, दूसरा केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, ठीक है बेटा। दो चैप्टर, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड्स और केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, अब देखिए आप केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड और केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। अब केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड्स का मतलब क्या है, 4F, और केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड का मतलब है 5F, ठीक है, 4F और 5F, क्योंकि F जो ब्लॉक है बेटा, आपको दिखा दे जरा, F ब्लॉक को दो पीरियड में रखा गया है, छठे और सातवें, छठे पीरियड में क्या है,
कहाँ कायम है हो गया बेटा देख ले रहा देखो ठीक है बेटा ये 4F और ये 5F इसे लेंथेनाइड कहते थे क्योंकि लेंथेनम से कट के ये सीरीज प्राप्त हुई थी हमें ठीक है ये एक्टिनम से प्राप्त हुई थी एसी इसीलिए इसे एक्टिनम कहते थे एक्टिनाइड श्रेणी कहते थे तो हमें बेसिकली इस यूनिट थर्ड को दो चैप्टरों में पढ़ना था चैप्टर पहले में केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड मतलब इन्हें पढ़ना था 4F सीरीज के एलिमेंट्स जो है और चैप्टर सेकंड में 5F यानी कि एक्टिनाइड श्रेणी के जो था तुम्हें उन्हें पढ़ना था लेकिन बेटा हमने कंप्लीट डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट भी केवल एक चैप्टर बनाकर ही पढ़ा था उससे हमें याद करने में ज्यादा आसानी होती है कंपैरेटिव स्टडी किया था यहाँ पे भी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ठीक है तो चैप्टर एक ही पढ़ेंगे हम क्या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर तो आपको मैंने दिखा दिया लेकिन हम जो डलवाएंगे देखो क्या चैप्टर डलवाएंगे वो देखते हैं हम चैप्टर डलवाएंगे बेटा आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या एफ ब्लॉक एलिमेंट तो चैप्टर डालो बेटा आज इंट्रोडक्शन है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का तो चैप्टर है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट अर्थात एफ ब्लॉक के तत्व एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं बेटा उन्हें हम जैसे डी ब्लॉक के तत्वों को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा था सेम एज हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे क्या कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अब बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं वो बात देखते हैं अभी सबसे पहला तो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे डेफिनेशन क्या होगा कैसे डिफाइन करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी एलिमेंट्स का उसकी डेफिनेशन होता है तो उसी से हम बनाएंगे क्या बनाएंगे दोज एलिमेंट्स वे तत्व दोज एलिमेंट्स हुज जिनका दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फेल्ड या हम कहते हैं एंटर्ड इन एफ सबसेल या कहते हैं इसे एफ ऑर्बिटल सबसेल को ऑर्बिटल कहते हैं दो एलिमेंट्स बेटा हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड और एंटर्ड इन एफ सबसेल और ऑर्बिटल हम कह सकते हैं कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया देखो दो एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड और एंटर्ड इन एफ सबसेल और ऑर्बिटल कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेकिन बेटा अर्थात हिंदी में तो सुन लो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल या एफ सबसेल में भरा जाता है एक सेकंड बेटा देखना जरा दिख रहा है बेटा जरा देखिए बिलर मार दे ठीक है दिख रहा है तो क्या बेटा वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरा जाता है या एफ ऑर्बिटल में भरा जाता है
ए ब्लॉक के तत्व कहलाते, ठीक है। लेकिन बेटा ए ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह भी हो सकती है, क्योंकि ये तो हलवा है, ये तो गाजर का हलवा है, थोड़ा इसे हार्ड बनाए। हार्ड कैसे बनाएंगे? कॉम्प्लिकेटेड बनाए, हार्ड नहीं कह सकते, कॉम्प्लिकेटेड, या जिसे स्टैंडर्ड बनाए, ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड इसका उच्च करें, ऊंचा करें, हाई करें, तो कहेंगे दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा, हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड और फिल्ड, या तो एंटर्ड कह सकते हैं या हम कह सकते हैं फिल्ड कह सकते हैं, एंटर्ड और फिल्ड इन एफ सबसेल, इन एफ ऑर्बिटल ऑफ प्री पेनल्टीमेट को हम सब पेनल्टीमेट से भी कह सकते हैं, सब पेनल्टीमेट सेल। भैया ये दो शब्द हैं, दो वर्ड हैं, इन अंडरलाइन करो, इसका मतलब समझाएंगे। दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड और फिल्ड इन एफ ऑर्बिटल ऑफ प्री पेनल्टीमेट, और हम कह सकते हैं सब पेनल्टीमेट सेल, कॉल्ड क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि बेतत्व बेटा, बेतत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्री पेनल्टीमेट सेल, मतलब अंतिम कोश से पूर्व कोश से पूर्व कोश, अंतिम कोश से पूर्व कोश को कहते हैं पेनल्टीमेट सेल, और हमने लिखा प्री पेनल्टीमेट सेल मतलब उससे भी पहले वाला सेल। तो जब ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो प्री पेनल्टीमेट सेल या सब पेनल्टीमेट सेल के एफ ऑर्बिटल में भरा जाता है, तब उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब हम प्री पेनल्टीमेट सेल या सब पेनल्टीमेट सेल क्या होती है ये देख लेते हैं, ठीक है बेटा। जैसे हम कहें सीरियम 58 एटॉमिक नंबर, ज़ीनॉन इसका एटॉमिक नंबर देखो जरा, ये करो या पूरा करूं बेटा, इसका पूरा करूं है ना, क्योंकि मुझे पेनल्टीमेट सेल समझाना है ना। 1s2 2p6 3s2 3d10 4s2 4p6 4d10 4d10 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 36 36 46 फोर डी टेन के बाद में क्या है बेटा, 5s2 ना, के बाद 5s2 5s2 5p6। देखो जरा, 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 10 28 36 36 46 2 48 48 6 54 48 और 6 54 आ गए 48 और 6 54। तो इस 54 तक बेटा हम जीनोन लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, जीनोन, खैर हम नहीं लिख रहे, पूरा करके लिखते हैं। 5p6 के बाद में क्या आएगा,
फोर एफ आएगा बेटा, क्या आएगा? फोर एफ, फोर एफ के बाद में फाइव डी, फाइव डी के बाद में सिक्स एस टू, ठीक है, सिक्स एस टू आएगा, क्योंकि यहां पे क्या होगा, फाइव पी के बाद में सिक्स एस टू आएगा, उसके बाद में फाइव डी आएगा, और सबसे बाद में फोर एफ आएगा, सबसे बाद में फोर एफ आएगा। तो यहां पे देखो किसके अनुसार, अभाव के अनुसार क्या जाएगा, सिक्स एस टू, फिर आएगा फाइव डी, फिर फाइव डी के बाद में फोर एफ आएगा, ये आएगा। तो इसे क्या कर दिया हमने, सेल वाइज रख दिया है, सेल वाइज रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर एफ फाइव डी सिक्स एस, ठीक है। तो कहने का मतलब सिक्स एस तक गए, फाइव डी फोर एफ, तो डी में क्या जाएगा, सबसे पहले एस में भरेगा दो, उसके बाद में यहां पे देखो चौवन दो छप्पन और एक सत्तावन, और एफ में एक आएगा अट्ठावन। तो ये मैं बन जाता है आपका कुछ इस तरह से, जीनोन फोर एफ वन फाइव डी वन सिक्स एस टू, सिक्स एस टू। तो लास्ट सेल बेटा, अंतिम कोष, लास्ट सेल तो यह है, इससे कम 5D यानी कि पांचवा कोष, ये पेनल्टी मेट सेल कहलाएगा, पेनल्टी मेट सेल, पेनल्टी मेट सेल, ठीक है, ये लास्ट सेल या बैलेंस सेल, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये है आपका पेनल्टीमेट सेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एफ में गया है बेटा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में गया है, पेनल्टीमेट सेल से भी पहले वाली सेल में, इसे क्या कहेंगे फिर, यह है प्री प्री पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट या बेटा सब पेनल्टीमेट सेल, सब पेनल्टीमेट सेल। तो इसीलिए हमने इसकी डेफिनेशन ऐसे बना दी थी कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा एफ ऑर्बिटल के, सॉरी प्री पेनल्टीमेट सेल के एफ ऑर्बिटल में जाता है, एफ ऑर्बिटल में, ठीक है, प्री पेनल्टीमेट सेल या सब पेनल्टीमेट सेल के एफ ऑर्बिटल में जाता है, वो कहलाते थे एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या कहलाते थे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, समझ में आया। तो डेफिनेशन सही हो गई हमारी, डेफिनेशन लिख दी। अब बेटा हम ये देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा, क्यों हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उससे पहले हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कर लेते हैं, जरा देख लेते कितने होते हैं, कॉपी पे उतार लेते हैं, ठीक है बेटा, उसके बाद सीखेंगे, कल देखेंगे अब, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब देखिए ये है पर नड पम सम यू जी डी टीवी डाई हो इन टम यम लू, ठीक है, ये कर दिया खत्म। चौदह का तो बेटा चौदह, हो गया, ठीक है, देखिए आप ये 57 58 से सॉरी 58 59 60 61 62 एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं,
63 परमाणु क्रमांक, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। अब इस श्रेणी में TH, PA, U, PU, AM, CM, BK, SF, हम सम बक्स अप ES, FM, MD, NO, LR, ठीक है। TH, PA, PA, U, NP, PU, AM, CM, बक्स अप ES, FM, MD, NO, LR, ये कितने से हैं? 90 से, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, ठीक है। ये बेटा 4F सीरीज है, ये 5F सीरीज है, लिख लेना, अभी बताएंगे क्यों। और जो 4F सीरीज है उसे क्या कहते हैं? लेंथेनाइड, लेंथेनाइड्स। और जो 5F सीरीज है उसे क्या कहते हैं? एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो बस आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।